जी, तो आज की रेमेडी भी कम्प्लेक्शन को फेयर बनाने के लिए है, और इसके लिए आपको एक टमाटर का रस चाहिए। हाफ़ टमाटर काफ़ी होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टमाटर है, ये दो टमाटर के बराबर, दो छोटे टमाटर के बराबर है। तो मैंने इसका आधा यूज़ किया है, और इसमें आपको चाहिए आलू के स्टार्च का पाउडर, यानी पोटैटो स्टार्च पाउडर। तो वो अगर आपको आसानी से ना मिले तो फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पोटैटो का, आलू का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। आधा टमाटर, ये वाला जो ये साइज़ है, ये बड़ा टमाटर है, इसका आधा टमाटर हम इस्तेमाल करेंगे। उसका जूस स्क्वीज़ करके हम निकालेंगे, और साथ में हम 3 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे इस आलू के स्टार्च के पाउडर के। तो ये एक बहुत ही अच्छा नाइस सा एक फेस मास्क बन जाएगा। इसको आप तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए लगाएं अपने फेस के ऊपर, या फिर आप इसको रात को भी लगा सकते हैं थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। मेरे चेहरे पे फ्रैकल्स हैं, और मैंने नोट किया है कि जब भी मैंने ये मास्क यूज़ किया है मुझे वो फ्रैकल्स ढूंढने पड़ते हैं। मैं शीशे में देखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे चेहरे पे कभी फ्रैकल्स थे ही नहीं। तो मुझे तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, और अगर आप लोगों को भी इसका कोई फ़ायदा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। और यूजुअली ये 90% लोगों को बहुत बहुत इफ़ेक्टिव महसूस होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर हर इंसान की स्किन चूँकि डिफरेंट होती है, किसी की स्किन बहुत थिन होती है, किसी की स्किन बहुत थिक होती है, और उनमें अब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो कम या ज़्यादा होता है केमिकल्स का। तो पॉसिबल है कि किसी को एक यूजेज के बाद ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आ जाए, और किसी को 3 से 4 या प्रोबेबली 10 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद कुछ इफ़ेक्ट नज़र आए। तो इसमें आई थिंक इसमें रेमेडी का कसूर नहीं होता, इसमें होता है कि आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको नेचुरल रेमेडीज़ या क्रीम्स जो हैं वो क्यों असर नहीं कर रही। तो कोशिश कर करके ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से आप पहले ये मालूम कर लें कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादा सूट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक रेसिपी, एक रेमेडी वो आपको सूट करती हो और दूसरों को भी सूट कर जाए, या दूसरों को करती हो तो आपको भी सूट कर जाए। तो ज़रूर ये इंटेलिजेंटली यूज़ कीजिएगा। कोई भी टोटका या कोई भी टिप्स अगर आपको कहीं से पता चलें तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको आंखें बंद करके इस्तेमाल कर लें। अब आप ये देखें कि साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उसका हाफ टमाटर पहले काट लिया, उसमें से मैंने उसका जूस निकाल लिया, और साथ ही मैंने इसके अंदर पोटैटो स्टार्च का पाउडर शामिल कर लिया। अभी मैंने 2 टीस्पून डाले हैं, अभी 1 टीस्पून मैं एंड में इसको शामिल करूँगी, जस्ट टू सी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक रखनी है। अभी ये मुझे थोड़ी सी थिन लग रही है, इसको मैंने मज़ीद थिक करना है, तो इसलिए मैं इसको 1 टीस्पून और डाल दूँगी। फिर हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते रहेंगे, और जब ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा फिर हम इसको अपने फेस पे थिक लेयर लगा लेंगे। थिक लेयर इस तरह से लगाएंगे, अभी मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूँगी अपने हाथ पे लगा के। इसको हमने चेहरे पे लगाना है, और अगर आपको लगे कि एक लेयर आपको पूरी तरह से कवर नहीं कर रही और थोड़ी सी या थिन लग रही है, तो आप उसी के ऊपर एक और लेयर इसकी लगा दें, और इसी को आप 3 लेयर्स तक लगा सकते हैं। यानी आप चाहें तो 2-3 मरतबा एक ही लेयर को आप अप्लाई करते रहें एक ही लेयर के ऊपर, तो वो अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएगा आपके चेहरे पे। फिर आप इसको 30 मिनट्स के लिए ड्राई अप होने दें, या फिर आप वेट करें कि जब तक ये ड्राई हो के बिल्कुल इतना वाइट निशान नहीं आपके चेहरे पे आ जाते जैसे कि ये इसके स्टार्च के पाउडर का कलर है, ये आपको नज़र आ जाएगा आपके चेहरे पे बिल्कुल वाइट पैचेस से भर गए हैं। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसको चाहें तो बिल्कुल मामूली सा नीम गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके और एक चुटकी नमक शामिल करके कॉटन स्वाब लेके उससे आप इसको वॉश ऑफ कर लें। उसके बाद आप पानी से, ठंडे पानी से मुंह धो लें, अगर चाहें तो डायरेक्टली आप पानी से मुंह धो लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करें तो उसके बाद आप साबुन से मुंह ना धोएं। आप कोशिश करें इस तरह की ट्रीटमेंट जिसमें कि कोई चिपचिप वाली चीज़ नहीं है, तो स्पेशली आप इसको सिर्फ वाटर से रिन्स ऑफ करें, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसको
रोज़ वाटर से टोनिंग कर लें अपने चेहरे की, यानी आप फ़ौरन ही उसके बाद रोज़ वाटर लगा लें, या फ़ौरन से ही आप उसके बाद अपने चेहरे पे एलोवेरा जेल लगा लें जो कि नेचुरल है। अगर नेचुरल चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आपको सूट करता है, चाहे वो निविया का हो या कोई भी, वो आप इस्तेमाल कर लें। तो बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।